So, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब ये कहां पे यूज होता है? बहुत जगह यूज होता है. सबसे पहली जो हमारे पास यहां एप्लीकेशन है वो देखेंगे हम. देखो, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्टर इसमें जा रही है करंट, इसको किस में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. तो इस पर क्या अप्लाई होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हो जाओ प्लीज, ये देखो, आप पकड़ लो इसको प्लीज. देखो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके बीच में अब मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना. इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रखा? करंट कैरिंग. अब इस पर क्या अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा बच्चों. अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह होगी, वो कौन बताएगा? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, प्लीज सिट डाउन. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपनी तीनों उंगलियां जो है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, है ना, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखो. रखा मैंने, ठीक है ना, रखा मैंने, समझ आ रहा है? वेरी गुड. अब उसके बाद देखो इधर, अब मैंने रखना है ये देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. ये वाली फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? बीच वाली एंड थंब फोर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडक्टर है, यहां से यहां जा रही है करंट, यहां से जा रही है यहां पे करंट. अब करंट की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में मैंने रख दिया अपना मिडल फिंगर, ठीक है ना. मान लो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? उस तरफ. तो मेरा थंब किस तरफ है? तो इसका मतलब ये हुआ, इस पर फोर्स जो अप्लाई हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हवा में उड़ जाएगा. समझ आया कि नहीं? तो बस आई कैन कंक्लूड, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? वेरी गुड. समझ आया बच्चों? वेरी गुड. बस दैट.